एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर जेसीबी पर अचानक मलबा गिरता है और जेसीबी ड्राइवर बाल बाल बच जाता है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें बेहद दिल दहला देने वाली है। आप देखिए कितना बड़ा चट्टान अचानक से जेसीबी के ऊपर गिरता है और जो जेसीबी का ड्राइवर है, जैसे चट्टान एक तरफ से गिर रहा है, दूसरी तरफ से वो अपनी जान बचा करके जेसीबी से कूदता है और भागते हुए खुद को सुरक्षित करता है। तो ये तस्वीरें डराने वाली, दिल दहलाने वाली आप देख रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त चंडीगढ़ हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, कई इलाके यहां पर बाढ़ की चपेट में है। जगह जगह भूस्खलन और लैंडस्लाइड की इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जेसीबी ड्राइवर किस तरह से बाल बाल बचा है, कूद करके भाग करके वो अपनी जान बचाता है। आसपास अफरा तफरी का माहौल है और बताया जा रहा है कि हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है, संपर्क कट गया है कुछ एरियाज का। और इस वक्त मंडी से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर जेसीबी पर मलबा गिरा है और जेसीबी का ड्राइवर बाल बाल बचा है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। और तस्वीर आप देखिए, एक बड़ा सा जेसीबी यहां पर है और जेसीबी के ऊपर अचानक से मलबा गिर जाता है। हालांकि जेसीबी का जो ड्राइवर है वो समय रहते उसे नीचे उतर जाता है, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। आप सड़क देखिए, चंडीगढ़ मनाली हाईवे ये दिख रही है और यहां पर अचानक से जेसीबी में कब जब काम जारी था उस वक्त ही अचानक से मलबा, बड़ा मलबा यहां पर गिर जाता है, जिससे जेसीबी इसकी चपेट में आ जाता है। हालांकि समय रहते जो ड्राइवर है वो जेसीबी से उतर कर वहां से हट जाता है, वरना कोई गंभीर हादसा यहां पर हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर यहां पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ये किसी भी हादसे को न्योता दे सकते थे। लेकिन गनीमत रही कि समय रहते यहां से जेसीबी का ड्राइवर उतर गया। और तस्वीर भी आप देखिए, लास्ट मोमेंट पर ड्राइवर उतरता हुआ और वहां से भागता हुआ इस वीडियो में कैप्चर हुआ है। मंडी की घटना बताई जा रही है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे ये है जहां पर ये जेसीबी है और मलबा हटाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। पहले ही यहां पर भूस्खलन हुआ था जिसे जेसीबी के द्वारा हटाया जा रहा था, लेकिन जब जेसीबी अपना काम कर रहा था उसी वक्त एक बार फिर से बड़ा मलबा यहां पर गिरता है और अचानक से मलबे के गिर जाने से जेसीबी उसकी चपेट में आ जाता है। देखिए कितना बड़ा ये मलबा है जो सीधे आकर जेसीबी से टकराता है और समय रहते जो जेसीबी ड्राइवर है वो कूदकर अपनी जान बचाकर भागता हुआ इस वीडियो में कैप्चर हुआ है। तस्वीरें अब वायरल हो गई हैं, सोशल मीडिया पे हर तरफ ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग वही कह रहे हैं कि समय रहते जेसीबी ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना ये जिस तरह से मलबा गिरा था कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। कितना बड़ा ये पत्थर है ये आप खुद देख सकते हैं कि एक पूरे जेसीबी को इस बड़े पत्थर ने अपनी चपेट में ले लिया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का ये हादसा है, मंडी की ये घटना है जहां पर मलबा हटाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ और जेसीबी के ऊपर पूरा का पूरा एक बड़ा पत्थर आकर गिर गया और इस मलबे ने जेसीबी को अपनी चपेट में ले लिया। और ड्राइवर जो है, गनीमत रही कि जागरूक था वो ड्राइवर और समय रहते उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। और ये देखिए आप तस्वीर बार बार आपको दिखा दिया है, लेकिन जेसीबी ड्राइवर बाल बाल बचा है, उसने अपनी जान कैसे बचाई उसकी तस्वीरें आप देखिए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर ये हादसा हुआ है, आप देखिए जेसीबी मशीन आपको नजर आ रही है और जेसीबी मशीन के बराबर ही ऊपर से एक बड़ा सा चट्टान इस जेसीबी मशीन के ऊपर गिरता है और उस दौरान जेसीबी पर ड्राइवर बैठा ही हुआ है। जैसे ही चट्टान उसके ऊपर गिरता है ड्राइवर जेसीबी मशीन से कूदता है और फिर भाग करके आनन फानन में अपनी जान बचा रहा है। और ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। आप देखिए, जाकू राखे साया मार सके ना कोई, इस कहावत को पूरी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं चरितार्थ होता हुआ। मंडी और यमुनोत्री की दो तस्वीरें, दोनों ही जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जेसीबी में मलबा गिरता और उसके बाद किस तरह से आप देखिए ये जो वाहन चालक है, जेसीबी ड्राइवर है, कूद करके अपनी जान बचाता है। आप गया ऐसा ए नहीं नहीं अबे। आप देख सकते हैं किस तरह से मलबे की चपेट में आने के बाद टेम्पो नीचे खाई में जा गिरा। ये यमुनोत्री की ये तस्वीरें हैं। जेसीबी ड्राइवर बाल बाल बचता, आपको बता दें मंडी से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई और यमुनोत्री की भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। टेम्पो चालक ने कूद करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। ये दोनों ही तस्वीरें बेहद तेजी के साथ वायरल हो रही है। देश के उत्तर पूर्वी इलाके में इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जगह जगह आपको बता दें हाईवे इसी तरह से बाधित हुए हैं। दो तस्वीरें दोनों ही विचलित करने वाली, इन तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के उत्तर पूर्वी इलाके में इन दिनों लैंडस्लाइड, भूस्खलन और बाढ़ के बाद किस तरह के हालात हैं।
यमुनोत्री से बड़ी खबर आपको बता दे, टेम्पो में मलबा गिर गया है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और मलबा टेम्पो पर जा गिरा है। आपको बता दे, पलटी खा करके टेम्पो पहाड़ से नीचे गिर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड से इन दिनों इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है। देखते ही देखते पहले मलबा गिरता है और फिर उसके बाद पलटी खाते हुए टेम्पो नीचे खाई में गिर जाता है। सबकी बड़ी खबर, यमुनोत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर किस तरह से भूस्खलन हुआ, धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड बढ़ता गया और लैंडस्लाइड के मलबे किस तरह से यहां पर वाहन के ऊपर गिरता और उसके बाद टेम्पो पलट करके पलटी खाते हुए नीचे जा गिरा। देश के उत्तरी इलाके में लगातार इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और उसके बाद किस तरह से ये जानलेवा तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त आप IBC 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं।